आप लोगों का यहाँ पर रेलवे हुआ, यानी कि ये आप लोगों की रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट हुई। तो मेरा TCS, फिर इसके बाद में रिजल्ट आप लोगों का रेलवे तैयार नहीं करता है। इस कारण को जानने के लिए दोस्तों, जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, जब मैंने देखा तो एक ऑथेंटिक, एक ऑफिशियली जवाब निकल के आता है। बस छोटा सा वीडियो होने वाला है, 4 से 5 मिनट का वीडियो होने वाला है, पर ये आप लोगों को काफी अच्छी TCS की साइट है और TCS आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट एजेंसी है, इसके बारे में मुझे। आइए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 की तरफ फोकस करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट के मन में यह आ रहा है कि जब आप लोगों का ग्रुप डी रिजल्ट तैयार है, फिर रेलवे अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड क्यों नहीं कर रहा। इस कारण को जानने के लिए दोस्तों, जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, जब मैंने देखा तो एक ऑथेंटिक, एक ऑफिशियली जवाब निकल के आता है, वो मैं इस वीडियो में बता दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को ये पता लग जाएगा, जो आप लोगों का रिजल्ट है ना, वो रेलवे तैयार नहीं करता है। इस वीडियो में बने रहना, बस छोटा सा वीडियो होने वाला है, 4 से 5 मिनट का वीडियो होने वाला है, पर ये आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी पता लगेगी कि आपका रिजल्ट तैयार कौन करता है और वेरीफाई, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बस 4 से 5 मिनट के वीडियो में ही समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन यही है आप लोगों को, बस ये छोटा सा वीडियो है, इसको बस समझ लो आप लोग। इसको समझने के बाद में आप लोगों के जो डाउट आ रहे हैं रिजल्ट को लेके, वो आप लोगों के समाप्त हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। तो दरअसल दोस्तों, आप लोगों को पता होगा हमारे यहाँ पर क्या होता है, दो चीज़ होती है। एक तो होता है आप लोगों का ECA बोर्ड। ECA बोर्ड का मतलब है एग्जाम कंडक्ट एजेंसी, और RRB का मतलब है रेलवे रिक्रूटमेंट्री बोर्ड, या RRC बोल दो, रेलवे रिक्रूटमेंट्री सेल बोल दो, या रेलवे बोल दो आप लोग यहाँ पे, इंडियन रेलवे कुछ भी बोल दो आप लोग यहाँ पे। पर बात हमारा ये पॉइंट नहीं है, हमारा पॉइंट ये है कि आप लोगों को पता होगा, अभी जो आप लोग देख रहे हो ये है हमारे, ये वाली जो साइट देख रहे हो ना आप लोग, ये TCS की साइट है, और TCS आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट एजेंसी है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हो इसके बारे में। तो ये तो आप लोगों का ECA हुआ, एग्जाम कंडक्ट एजेंसी हुआ, और ये आप लोगों का रेलवे हुआ, ये वाला आप लोगों का यहाँ पर रेलवे हुआ, यानी कि ये आप लोगों की रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट हुई। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अब मेरा कहने का मतलब है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझो, ये जो मैंने लिखा है ना, इसके अंदर आप लोग ध्यानपूर्वक समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये चीज़ें आप लोग देख पा रहे होगे, ये यहाँ पे, तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर देखो, ये चीज़ें आप लोगों को पता लग रही होगी। यहाँ पर TCS को है ना, रेलवे क्या करता है, इसको TCS को एग्जाम कंडक्ट कराने की बोलता है, यानी कि एक टेंडर वेंडर भेजता है जो भी होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करा लेता है ये TCS, फिर इसके बाद में रिजल्ट आप लोगों का रेलवे तैयार नहीं करता है, रिजल्ट आप लोगों का TCS के द्वारा ही तैयार किया जाता है। और आप लोग यकीन मानिए कि आप लोगों का यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी कम टाइम में ही तैयार कर लिया जाता है, विद इन 15 डेज में तो आप लोगों का रिजल्ट इतनी कंपनी आराम से तैयार कर लेती है। पर बात क्या होती है, बात ये होती है कि इस रिजल्ट को आप लोग जैसे ये तैयार कर लेते हैं, तो ये रिजल्ट आप लोगों को RRB को दे देते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट्री बोर्ड या रेलवे को दे देते हैं। देने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे अब पता लग रहा होगा कि आप लोगों को रिजल्ट आप लोगों का रेलवे नहीं बनाता है, बल्कि इस TCS बताती है, यानी TCS बनाती है, रेलवे आप लोगों का रिजल्ट नहीं बनाता है। तो आप लोगों का रिजल्ट ये तैयार कर लेती है TCS, और ये दे देती है आप लोगों के RRB को दे देती है। अब ये RRB के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पब्लिश कब करना चाहती है। अब RRB पब्लिश करने से पहले कई सारे काम होते हैं, जैसे मैं बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ये रिजल्ट तैयार करने के बाद में जो भी अथॉरिटी लोग होते हैं रेलवे के एम्प्लॉय होते हैं, वो ये चेक करते हैं आप लोगों की जनरल OBC EWS SC ST, यानी कम्युनिटी वाइज ये कट ऑफ सही तो है, इसमें कुछ गलती तो नहीं है, ये सारे कुछ देखते हैं। शॉर्ट लिस्टेड की जो लिस्ट है कैंडिडेट की, वो सही है या नहीं है, यानी कि वेरीफाई करते हैं रिजल्ट को कि ये बिल्कुल सही डाटा है या नहीं है। वेरीफाई करने के बाद में आप लोगों को ये डाटा रेलवे क्या करता है, इसको यानी कि मंजूरी लेने के लिए जो इसके साइन ये सिग्नेचर होते हैं वहाँ पे हस्ताक्षर कराने के लिए, उसको यहाँ पे सेंड करता है मिनिस्ट्री को। जब ये सारे काम हो जाते हैं ना आप लोगों के, यहाँ पे सारे काम होकर आप लोगों के जो रिजल्ट तैयार कर लिए जाते हैं, तो रिजल्ट तैयार करने के बाद में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे RRB क्या करती है, वेट करती है
किसका वेट करती है? रिजल्ट पब्लिश करने का, कि मंजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और मंजूरी थोड़ा है, 4 दिन बाद में मंजूरी मिलेगी तो रिजल्ट को पब्लिश भी 4 दिन बाद ही किया जाएगा, ऐसा आप लोग ये मान के चलो। रिजल्ट रेलवे में बहुत जल्दी तैयार कर लिया जाता है, मतलब मेन बात तो ये होती है उसको मंजूरी मिलेगी, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जैसे ही मंजूरी मिलती है वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर रिजल्ट पब्लिश करने की रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है। अब आप लोगों को ये तो पता लग गया होगा कि आप लोगों का रिजल्ट कौन तैयार करता है और यहाँ पे वेरीफाई, ये इस तरह का प्रोसेस समझ में आया होगा। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे ये है, अभी जो आप लोग ये नोटिस देख रहे हो, ये नोटिस देख रहे होगा, ये आप लोगों की 2018 का नोटिस है और आज देख रहे हो 2022 है, तो 2018 के नोटिस में आइए आप लोग देखोगे तो रिजल्ट से पहले ये वाला नोटिस अपडेट कर दिया गया है रेलवे के द्वारा, और ये 40 से लेकर 45 दिन में आप लोगों का यहाँ पे ग्रुप डी रिजल्ट जारी कर दिया गया था, और 2022 में आप लोगों के यहाँ पे लगभग लगभग बराबर इतने दिन होने को आ रहे हैं। पर आप लोग ये मान के चलो आप लोगों के यहाँ पे जो रेलवे के द्वारा बोला गया था दिसंबर में आप लोगों का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा, तो ये मान के चलो आप लोग यहाँ पे 10 दिसंबर से पहले पहले आप लोगों का रिजल्ट जरूर से जरूर देखने को मिल जाएगा। तो ये जो डेट बताई है आप लोग ये मान के चलो इससे पहले जरूर से जरूर आप लोगों को 100% रिजल्ट देखने को पूरा चांस लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट को लेके मतलब बातें फैल रही है तो ये मान के चलो रिजल्ट आप लोगों का पब्लिश होने वाला ही है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आप लोगों को यहाँ पे पता लग गया कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी आप लोगों को रिजल्ट तैयार करती है और फिर यहाँ पे RRB को देती है, फिर यहाँ पे मंजूरी मिलती है। और कुछ दिनों पहले एक ऑफिशियल या 3 से 4 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा एक अखबार की न्यूज आती है आर्टिकल, वो रिजल्ट को लेकर मंजूरी की इंतजार कर रहे हैं, तो इस तरह का आर्टिकल आया था, तो वो भी इस बात को लेकर ही आया था। तो इसमें मैंने आप लोगों को क्लियर बताने की कोशिश करी है कि आप लोगों का रिजल्ट तैयार होने के बाद भी पब्लिश क्यों नहीं हो रहा, वो कारण, और आप लोगों का रेलवे रिजल्ट तैयार नहीं करता है, इस चीज़ को समझाने की कोशिश करिए। और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है, इन्फॉर्मेटिव रहा है, तो मिलते हैं, और इस वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं जल्दी एक अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ में।